नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कर लेते हैं, अंतर लिखो कर लेते हैं, और हिंदी मीडियम मराठी मीडियम वाले भी ये वीडियो देख सकते हैं। आप 21 निकाल के रखिए, मैं मार्किंग बता देता हूँ क्या करना है, तो उसको पढ़ के जाइए। देखिए बच्चा, इससे रिलेटेड ही आएगा या इसके रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन बनकर आएगा जो आप अटेम्प्ट कर लोगे, समझ में। मतलब ऐसे ही नहीं कि ये डिस्टिंग्विश में बोला तो ये डिस्टिंग्विश ऐसा होगा, उसको लोग क्वेश्चन आंसर बना के नेम द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स बना के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कर लीजिएगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये वाला। इससे क्या होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस का आंसर आएगा चैप्टर फर्स्ट में, प्रोटीन सिंथेसिस का आंसर वो आपसे बन जाएगा। फिर उसके बाद आप माइटोसिस और मियोसिस कीजिए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट उसके बाद आप ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल कर लीजिए, तो इसके आंसर्स आपको बन गया। वो दो फ्लो चार्ट कर लेना, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। फिर उसके बाद हाँ देखिए, एरोबिक एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर लीजिएगा। फिर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लीजिए, दोनों का ड्राइंग देख लेना, लेबलिंग भी आ सकता है और इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। देखिए मैंने आंसर छोटा वगैरह करा है, अगर आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आंसर छोटा कर लीजिए। नेक्स्ट नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स कर लीजिएगा, नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स कर लीजिएगा, और ये प्लेटी हेलमिंथस और एस्चल हेलमिंथस कर लीजिएगा। इसका मैंने आंसर आपको प्रैक्टिस पेपर में जो रिवीजन अपलोड किया वीडियो उसमें करवा दिया, बहुत छोटा आंसर है, अच्छा 3 पॉइंट का, वो पढ़ लीजिए, अच्छा होगा। बस इतने इंपॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से, आप इतना कर लीजिए तो आपके ये क्वेश्चन, नहीं तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।